हेलो हाय, जीके मस्ती एमएस में आपका स्वागत है। आज भूगोल के अंतर्गत, ज्योग्राफी के अंतर्गत आप हम लोग जानेंगे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उन पड़ोसी देशों से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, इसके बारे में जानते हैं। इस वीडियो में आपको मैं लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं उनको आप मात्र 7 शब्दों में याद कर लेंगे और कभी भूलेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर। 15,106.7 किलोमीटर संपूर्ण स्थलीय सीमा की लंबाई है। अब हमारे देश से स्थलीय सीमा जो हमारे देश से बनाते हैं, ऐसे हमारे देश से स्थलीय सीमा बनाने वाले 7 देश हैं। कितने देश हैं? 7 देश हैं। अब सबसे पहला जो देश है वो है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश है सबसे पहला जो देश है जो हमारे देश से सीमा बनाता है, उसका नाम है बांग्लादेश। सबसे ज्यादा अगर किसी भी देश के साथ में स्थल की सीमा जुड़ी हुई है वो हमारा पहला पड़ोसी देश है बांग्लादेश। कितने किलोमीटर हमारा देश जो है इससे जुड़ा हुआ है? तो 4,096.7 किलोमीटर जो है स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ में जुड़ी हुई है। किसकी? भारत की। सबसे ज्यादा जो है किस राज्य से जुड़ा हुआ है बांग्लादेश? हमारे देश के किस राज्य से? बांग्लादेश जो है पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। कितना? 2,217 किलोमीटर की जो सीमा है, जो स्थल सीमा है बांग्लादेश की, हमारे देश के राज्य बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद असम आता है, असम से भी जुड़ा है। फिर उसके बाद मेघालय से जुड़ा है बांग्लादेश, असम मेघालय, और फिर उसके बाद में त्रिपुरा से जुड़ा है। असम मेघालय और फिर उसके बाद त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है बांग्लादेश। त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है और त्रिपुरा के पास में एक जीरो लाइन है। क्या है? जीरो लाइन जिसे कहते हैं, और ये जीरो लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में पाई जाने वाली सीमा रेखा के नाम से जानी जाती है, जिससे हमारे देश की जमीन स्थल सीमा और बांग्लादेश की स्थल सीमा का बंटवारा होता है। इससे पता चलता है कि यहाँ से जो है स्थल सीमा भारत की है और उधर उसकी बांग्लादेश की। दूसरा जो हमारे देश से जुड़ा हुआ राज्य है, सॉरी देश है, वो दूसरा जो देश है वो हमारा देश है क्या? पाकिस्तान, सॉरी चीन। अगर स्थल सीमा के हिसाब से देखें चीन, चीन की सीमा जो है हमारे देश से जुड़ी हुई है 3480 किलोमीटर सीमा जो है वो जुड़ी हुई है हमारे देश के राज्यों से। और किन किन राज्यों से? किसी किसी बुक में 3480 है, किसी किसी में 3428 भी दी हुई होती है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप 34 याद रखिएगा। अब चीन से कौन कौन से राज्य हमारे जुड़े हुए हैं? सबसे पहला राज्य जुड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर। कौन सा जुड़ा हुआ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य के साथ में चीन की सीमा जुड़ी हुई है वो हमारा है कौन सा? जम्मू कश्मीर है। कभी कभी ये भी पूछ देता है बांग्लादेश से जुड़ा हुआ सबसे विस्तृत सीमा जोड़ने वाला राज्य कौन सा है, तो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ पश्चिम बंगाल और चीन से जुड़ा हुआ जम्मू कश्मीर। तीसरा जो सबसे हमारा पड़ोसी देश है जो सीरियल से हम लिख रहे हैं, सबसे बड़ा स्थल की सीमा से जुड़ा हुआ बांग्लादेश, फिर चीन और फिर कौन सा बताइएगा? पाकिस्तान।
पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान जो 3323 किलोमीटर इसकी सीमा जुड़ी हुई है, किससे? भारत से जुड़ा हुआ है 3323 किलोमीटर। अब इसमें राज्य कौन कौन से आते हैं? गुजरात। कौन कौन से राज्य जुड़े हैं? गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और एक राज्य, दो राज्य, एक राज्य और जुड़ा हुआ है, कौन सा? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। अब पाकिस्तान से सबसे ज्यादा जिसकी स्थल सीमा जुड़ी हुई है, वो सबसे ज्यादा स्थल सीमा जुड़ने वाला राज्य है आपका राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। चौथा आपका जो देश है, जो भारत देश से जुड़ा हुआ है, चौथा देश है नेपाल। कौन सा? नेपाल। और नेपाल की जो स्थल सीमा है वो है 1751 किलोमीटर। कितनी है? 1751 किलोमीटर भारत से जुड़ा हुआ स्थली सीमा वाला देश है नेपाल। और ये किन किन इससे जाता है, इससे राज्य कौन कौन से जाते हैं? यूपी इससे जुड़ा है, बिहार इससे जुड़ा है, उत्तराखंड इससे जुड़ा है, उत्तराखंड इससे जुड़ा है, पश्चिम बंगाल इससे जुड़ा है, और सिक्किम इससे जुड़ा है। तो ये कुछ राज्य हैं जो नेपाल से, जो भारत के राज्य हैं जो कुछ नेपाल से जुड़े हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा अगर किसी की विस्तृत सीमा है नेपाल से, वो है उत्तर प्रदेश की। पांचवा जो राज्य है जो भारत से जुड़ा हुआ है वो है म्यांमार। म्यांमार, इन सभी की राजधानी बांग्लादेश की आपको पता होगी, क्या है? बांग्लादेश की राजधानी काठमांडू, चीन की राजधानी बीजिंग, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, नेपाल की राजधानी, सॉरी बांग्लादेश की ढाका है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, म्यांमार की राजधानी आप हमें बताइएगा कमेंट में लिख के। अब म्यांमार जो है, म्यांमार का जो स्थलीय सीमा है वो 1643 किलोमीटर है। कितनी है? 1643 किलोमीटर। अब इसमें कौन कौन से जुड़ते हैं? अरुणाचल प्रदेश जुड़ता है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा, मेघालय की सीमा, मणिपुर की सीमा, मणिपुर की सीमा, मेघालय की सीमा, मिजोरम की सीमा, ये चार राज्य जो हैं किससे जुड़ते हैं? म्यांमार से जुड़ते हैं। बांग्लादेश से पांच राज्य, चीन से पांच राज्य, पाकिस्तान से चार राज्य, नेपाल से पांच राज्य, म्यांमार से चार राज्य, और छठवां जो है, छठवां जो देश है जो भारत से जुड़ता है, इसका नाम है भूटान। इसका नाम है भूटान। भूटान की भी राजधानी हमें कमेंट में बताइएगा। भूटान 699 किलोमीटर भारत से जुड़ता है। भूटान से जुड़े हुए भारतीय राज्य सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल, और लास्ट है अरुणाचल प्रदेश। ये चार राज्य जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? भूटान से जुड़े हुए हैं। कौन? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। और सातवां राज्य जो है वो आपका है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जिसकी सीमा हमारे देश से स्थलीय सीमा है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर सीमा जुड़ी हुई है। तो सात ऐसे देश हैं जो भारतीय सीमा की स्थल सीमा बनाते हैं। इससे जुड़े हुए राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर जिस जो पाक अधिकृत है, पाक अधिकृत है। अच्छा, पाक अधिकृत इसे क्यों कहते हैं? मतलब है तो हिस्सा तो हमारे देश का है, लेकिन इसे पाक ने अधिकृत कर लिया था 1947 में। वहां के कुछ स्थानीय कवालिया थे, कवाली जो बना के कबूले वगैरह रहते हैं, मतलब झुंड बना के रहते हैं, उनकी स्थानीय मदद से उन्होंने कब्जा लिया था। और यहाँ की जो राजधानी उन्होंने पाकिस्तान ने रखी है, उसकी राजधानी इन्होंने रखी है मुजफ्फराबाद। इसकी राजधानी उन्होंने मुजफ्फराबाद रखी है। यद्यपि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, लेकिन जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर राजधानी है वो मुजफ्फराबाद रखी है। कई बार ये परीक्षा में आया है कि मतलब पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, तो वो है मुजफ्फराबाद।
अब आओ इनकी सीमा रेखा से हम परिचय कर लेते हैं। बांग्लादेश और भारत के मध्य में जो सीमा रेखा पाई जाती है उसे जीरो लाइन कहते हैं। बहुत कम पूछी जाती है। त्रिपुरा के पास में जो मिलती है सीमा रेखा बहुत कम मिलता है। बांग्लादेश मतलब मिलता अधिक है लेकिन मतलब उस रेखा को जीरो लाइन कहते हैं। चीन के मध्य में जो भारत और चीन के मध्य में रेखा पाई जाती है उसे कहते हैं मैक मोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैक मोहन रेखा। ये मैक मोहन रेखा जो है ये उस समय निर्धारित की गई थी जब हमारे देश में ब्रिटिश लोगों का शासन था। हेनरी मैक मोहन इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पर जो है हेनरी मैक मोहन के नाम पर ही इस रेखा को 1914 में निर्धारित किया गया था। शिमला समझौता में निर्धारित किया गया था शिमला में, और उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम मैक मोहन रेखा नाम दिया है। तो ब्रिटिश और उनके बीच में हुआ था, लेकिन जो है आज भी पाकिस्तान चीन जो है इस रेखा का महत्व नहीं मानता है, आधिकारिक रूप से नहीं मानता है, और इसीलिए विवाद चीन के साथ में होता रहता है। तो भारत और चीन के मध्य में रेखा जो थी उसको मैक मोहन रेखा कहते हैं। आगे है पाकिस्तान के मध्य में जो रेखा है उसको हम लोग जानते हैं रेडक्लिफ रेखा, जो 15 अगस्त 1947 को सीजे रेडक्लिफ के द्वारा खींची गई थी। अब रेडक्लिफ ने खींची नहीं थी, उन्होंने बंटवारा कर दिया था रेडक्लिफ जी ने, और उन्होंने कहा था कि ये देश इधर का आपका इधर का, इसलिए उस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को एक कृत्रिम या काल्पनिक रेखा कह सकते हैं। नेपाल के मध्य में कोई भी सीमा रेखा हमारी निश्चित नहीं है, पहाड़ों के द्वारा सीमा रेखा बनती है, तमाम तरीके की नदियां भी बीच में निकली है। म्यांमार कोको चैनल से हमारी जो है सीमा रेखा बनती है। भूटान के देश में भी कोई नई सीमा रेखा है हमारे देश के मध्य में है, और कोई विशेष अफगानिस्तान तो सीमा रेखा जो पाक अधिकृत है, तो जाहिर सी बात है डूरंड रेखा आती है, लेकिन अब अगर आए तो वो ये कहा जाएगा कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसके मध्य में कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा है। और इस रेखा का निर्धारण जो है 1896 में हुआ था, सर डूरंड के द्वारा किया गया था। तो ये हमारे स्थली देश हो गए जो हमसे जुड़े हुए हैं, इनके मध्य में जो रेखा है उसके बारे में बताया, कौन कितना किलोमीटर हमारी स्थली सीमा इनसे जुड़ती है और कौन कौन से राज्य इनसे मिले हुए हैं। अब साथ हमारे स्थली पड़ोसी देश हैं और साथ ही हमारे जलीय पड़ोसी देश हैं, जिनमें से कुछ ऐसे पड़ोसी देश हैं जो जली और स्थली सीमा दोनों बनाते हैं हमारे देश के साथ में। जैसे बांग्लादेश जो है हमारे जली सीमा भी बनाता है और स्थली सीमा भी बनाता है। पाकिस्तान जो है वो जली सीमा भी बनाता है और स्थली सीमा भी बनाता है, और म्यांमार जो है ये जली सीमा भी बनाता है और स्थली सीमा भी बनाता है। तो तीन तो ये हो गए, चार और हैं जो स्थली सीमा और जली सीमा बनाते हैं, लेकिन तीन जो ऐसे देश हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि तीन वो देशों के नाम बताओ जो भारत के साथ में जली सीमा भी बनाते हैं और स्थली सीमा भी बनाते हैं। तो उसमें से पहला नाम आएगा बांग्लादेश का, दूसरा नाम आएगा पाकिस्तान का, और तीसरा नाम आएगा म्यांमार का। तो और जो जली चार देश और रह गए उनका विवरण हम दे रहे हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेहनत का थोड़ा बहुत हमारे काम का है, तो आप कमेंट लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो तीन तो वो हो गए, और चौथा जो देश है वो सबसे ज्यादा जो जली सीमा बड़ी बनाता है वो बनाता है आपका श्रीलंका की भी राजधानी लिखिएगा हमें कमेंट बॉक्स में। और श्रीलंका बनाता है, और श्रीलंका हमारे देश के साथ में अगर अलग होता है तो एक पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है, और दूसरी जो है वो मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। मन्नार की खाड़ी के द्वारा हमारे देश से अलग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाक की जल संधि किन किन दो देशों के मध्य में है, मन्नार की खाड़ी किन किन दो देशों के मध्य में है, इस तरीके के तमाम क्वेश्चन आते रहते हैं। और पांचवा जो हमारा देश जली सीमा बनाता है, पड़ोसी देश है, वो मालदीव है। मालदीव की भी राजधानी हमें बताइएगा कमेंट में, मालदीव है। और मालदीव जो है वो 8 डिग्री
चैनल द्वारा अलग होता है हमारे देश से, मतलब कहने में मतलब सीमा रेखा जली सीमा है, उसमें कोई स्थल तो होगा नहीं जल के, तो 8 डिग्री जो चैनल है उसके द्वारा हमारे देश में और मालदीव के बीच में एक सीमा बन जाती है। और ये जो 8 डिग्री चैनल है वो मिनी काय व मालदीव के बीच में है। अब मिनी काय क्या है? मिनी काय एक लक्षद्वीप का द्वीप है, जिसके कारण ये मालदीव जो है वहीं पे 8 डिग्री चैनल बनता है, जिसके द्वारा से मालदीव जो है ये अलग होता है। अगला है, पांच हो गए, छठवां जो देश है जो भारत के साथ में जली सीमा बनाता है, थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड। थाईलैंड और इसके बाद जो पांच छठवां ये हो गया, सातवां जो है वो है इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया, जो ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप का जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, जहां सुमात्रा नामक द्वीप है वहां पे सीमा बनाता है, उसी के निकट रहता है। और ये जली सीमा बनाने वाला सेकेंड देश है, श्रीलंका फर्स्ट है और इंडोनेशिया सेकेंड देश है जो सुमात्रा द्वीप के पास में सीमा बनाता है। तो ये तो हमने कुछ बताया आपको, जली सीमा बनाने वाले हमारे पड़ोसी देश और कुछ हमारे ऐसे देश जो आपका स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब सात बहने, जो सात पूर्वोत्तर की बहने कही जाती हैं, सात बहने तो इसमें एक हम ट्रिक बता रहे हैं, कौन कौन से सात सिस्टर के अंतर्गत गिने जाते हैं, आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। लिखिएगा मामा एंटी में, मा एन टी में बहुत अच्छी है, मामा एंटी में। एंटी एक फोर्स हम समझ ले, मान लेते हैं, देखो ट्रिक में एक कल्पना तो करनी ही पड़ेगी। मामा एंटी में मतलब एंटी एक फोर्स है, मामा हमारे, मे माने उसमें वो नौकर है, तो साथी हो गए 1 2 3 4 5 6 और ये अकेला आएगा। तो माँ एक माँ से इसमें कर लेते हैं मेघालय, क्या कर लेते हैं? मेघालय। इस वाले एम से असम, इस वाले से कर लेते हैं, सॉरी ये मिजोरम था, तो मिजोरम हो गया, असम हो गया, इससे कर लेते हैं मणिपुर, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, एन से हो गया नागालैंड, टी से हो गया त्रिपुरा और एम से हो गया मेघालय। 1 2 3 4 5 6 7 ये सात ऐसे राज्य हैं जिनको सेवन सिस्टर पूर्वोत्तर की सात बहनों के नाम से जाना जाता है। आपको कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ ये याद करना है मामा एन टी में, और उसका फुल फॉर्म निकालेंगे आप। कितना आसान होता है ये सब करना, आप लोग हमारे साथ सहयोग करते रहिएगा, हम और भी इम्प्रूव हो रहे हैं धीरे धीरे, और जैसे जैसे हमारा डेवलप होता जाएगा हम अपना और भी आपको अच्छा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और अगला वीडियो हमारा भारत से रिलेटेड आएगा, देश से ही, भारत का भूगोल हम बहुत जल्दी 30-35 वीडियोज में सब कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।